बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैबिना ने वफाकी मुलाजमीन के तनख्वाह में 40% इजाफा करने की मंजूरी दे दी। कैबिना ने वफाकी मुलाजमीन के तनख्वाह में 40% इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी कैबिना का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी कैबिना ने वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। तहम IFBR, NAB और FIA समेत जिन मुलाजमीन को पहले तनख्वाह इजाफी मिल रही है वो शामिल नहीं है। इसके अलावा कैबिना ने सूबों को मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे से मुतल्लिक खुद फैसला करने की हदायत जारी की है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क भर में कोविड वैक्सीन से मुतल्लिक आगाह किया गया। ब्रीफिंग में मज़ीद कहा गया है कि तरजियाती तय है कि हेल्थ वर्कर के बाद बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि कोरोना वैक्सीन की बला तरीफी लगाई जाए और सुबह वैक्सीन के अमल में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाए। ज़रा का कहना है कि इजलास के दौरान मशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने 2018 के सेंट इंतखाबात के दौरान अरकान खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली की खरीदो फरोख्त की वीडियो का मामला भी कैबिना में उठाया। कैबिना अरकान ने इतफाक़ किया है कि अरकान की खरीदो फरोख्त का मामला बंद होना चाहिए और ओपन बेल्ट ही मसले का हल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ओपन बेल्ट इलेक्शन चाहते हैं ताकि वोट की कीमत ना लगे।